फूल फल के पौधे अगर हम अपने छत पर लगाते हैं तो हमें सब्जियां भी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि सब्जियां हमारे प्रतिदिन की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और उसके लिए हम ग्रो बैग या गमले या कोई भी पॉट खरीदना ज़रूरी नहीं समझते हैं, उसके लिए यह चीज़ ही सबसे अच्छा होता है। आइए छत के एक कोने में एक छोटा सा खेत बनाते हैं। अगर आप भी बाजार की महंगी रसायन वाली सब्जियां खाते हैं तो जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी उससे आप काफ़ी हद तक मार्केट की सब्जियां खाने से बच सकते हैं। बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी जैविक तरीके से उगाई हुई सब्जियां आप अपने घर का ही खाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका इसमें कोई खर्च भी नहीं होगा, बहुत कम बजट में बिल्कुल आपके छत पे वजन भी नहीं बढ़ेगा और आपका रिजेक्ट चीज़ जो आपके घर से निकलती हैं रिजेक्ट चीज़ें वो भी यूज हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे मैं क्या तरीका अपनाती हूँ, कैसे मैं अपने घर में छोटी छोटी सब्जियों को उपजाती हूँ, ख़ास तौर से पत्ते वाली सब्जियों को और जितनी हो सकती है हरी सब्जियों को मैं अपने घर में ही उगाती हूँ और उसका भरपूर आनंद लेती हूँ बिल्कुल जैविक तरीके से। तो आप भी यही तरीका अपनाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में क्या तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। जब इच्छा हो हम इसमें सब्जी लगा सकते हैं, जब इच्छा हो हम इसकी मिट्टी हटा करके दूसरे जगह डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगती, न तो छत पे कोई शीलन होती है, न तो छत पे वजन बढ़ता है। सबसे पहले कहना चाहेंगे कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो वीडियो देखते समय ही लाइक करिएगा, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिसको कि इसकी ज़रूरत है। बहुत लोग गार्डनिंग करना पसंद करते हैं और उन्हें इस तरह का तरीका नहीं पसंद होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो लोग यह तरीका अपना करके अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आइए फटाफट से फिर बताते हैं कि हम यह खेत कैसे बनाए हैं और अगर आपके पास इस तरह का सामान नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम आप सभी को बताते हैं कि अपने घर के में जो भी आप पौधे लगाए हों, चाहे वो सब्जियों के हों, फूल के हों, फल के हों, तो आप समय समय पे उनकी प्रूनिंग करते जाइए, कटिंग। कटिंग जब आप करेंगे पौधों की तो आपको इतने उसके जो भी वेस्ट मटेरियल मिलेंगे वो काफ़ी कारगर होगा आपके पौधों के लिए, अन्य पौधों के लिए। जैसे आप सोचिए कि जानवर क्या खाते हैं, जानवर पत्ते ही खाते हैं। हाथी में इतना बल कैसे होता है, पत्ते खा करके ही होता है। तो इन पत्तों में बहुत सारे ताकत होते हैं, हरे पत्तों में नाइट्रोजन होता है, सूखे पत्तों में कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम खेत के लिए कौन सा एरिया चुनेंगे, क्या लगाएंगे इसमें, यह सब बताएंगे। तो आप घर का अपने छत का या आपकी बड़ी बालकनी है तो आप एक कोना ले लीजिए, जैसे कि मैं ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक छत का जो है कोना है, जैसे कि बीच में आपको नहीं बनाना है, अगर आप बीच में बनाएंगे तो आपको आने जाने में दिक्कत होगी, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक कोना ले लीजिए, वहाँ हम छोटे छोटे गमले रखे थे उसे हटा दिए। तो कोने को आप देखिए मैं क्या करी हूँ कि ये लकड़ी हमारे घर में रिजेक्ट था, जिसे पटरा बोलते हैं, छोटे छोटे से पटरे थे तो ये हम रखे हुए थे, तो इसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये कम से कम 2-3-4 साल आराम से चल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, मैं हर चीज़ का ऑप्शन आपको बताऊँगी, तो आप इस तरह का ईंट ले लीजिए, ईंट मिल जाएगा। ईंट भी नहीं है तो आप जो है बोरी वगैरह ले लीजिए और 2-4-10 ईंट या कुछ भी जो भी जिससे आप गेड़ सकें, या प्लास्टिक ले लीजिए, आप पहले गेड़ दीजिए। और अगर कोना रहेगा तो दो दीवारें तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, जैसे आप देख रहे हैं एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, तो दो दीवारें मिल जाएंगी। और सीढ़न भी छत पर नहीं होगा, उसका भी तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ये इस तरह की प्लास्टिक मार्केट में आसानी से मिलती है, बिल्कुल 100 रुपये की है और यह हम लिए हैं, इसे हम दोहरा कर दिए हैं। आपको जितनी ज़रूरत रहे उतनी ही लीजिए और आप उसको दोहर दीजिए और इसे
सबसे पहले नीचे इसको लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि कभी भी आपके छत पे कोई किसी भी प्रकार का सीढ़न नहीं होगा, जो भी इससे मटेरियल या पानी वगैरह आप देते जाएंगे सीढ़न नहीं होगा। उसके बाद जो मैं किनारा बताई हूँ आप इस तरह से किनारा बना लीजिए। मैं देखिए लकड़ी से बनाई हूँ, अगर आपके पास इस तरह की लकड़ी नहीं है तो जैसे मैं बताई हूँ, अगर कोई फोल्डिंग चारपाई टूटी फूटी हो तो उसे भी आप लगा सकते हैं, या ईंट वगैरह से लगा करके, या बोरी या प्लास्टिक से लगा दोहरा करके मुरेड़ मुरेड़ के आप ऐसे लगा सकते हैं। ये तरीका आपका हो गया किनारा खेत बनाने का, पूरा शेप देने का। तो आप एक खेत का शेप दे दीजिए, जैसे कि आपको छोटा बड़ा जितना बड़ा आप बना सकते हैं, जितना आपके पास जगह हो। अब हम इसमें भरे क्या हैं यह हम आपको बताएंगे, और यह मानसून सबसे परफेक्ट समय है ताकि 2 से 2.5 महीने में आपका खेत अच्छे से बन करके तैयार हो जाए और आप भी ठंडी की सब्जियां इसमें अच्छी खासी लगा सकें, क्योंकि बरसात का लगाने का समय लगभग अब निकल जाएगा। जैसे अगर आप ये पहले से बना होता तो इसमें भिंडी और ग्वारफली भुट्टा वगैरह सब कुछ आप लगा सकते थे, लेकिन इसका समय निकल चुका है, अब आप ठंडी की सब्जियां इसमें लगाएंगे। तो जैसे कि अब इसमें सबसे पहले नीचे मैं क्या डालूं, मैं बहुत दिनों से इकट्ठा कर रही थी किचन वेस्ट, जो कि एक लेयर में लगा चुकी हूँ किचन वेस्ट का, और वो अगर आपके पास नहीं है तत्काल में आप बना रहे हैं तो आप उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट ही बिछा दीजिए, या सूखे पत्ते जो आपके गार्डन में निकल रहे हों उसे आप बिछा दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं यह गमलों में निकलने वाला घास फूस है, और ये कटिंग करिए हैं जो भी सारी प्रूनिंग, जो पेपर छोटे छोटे पीस हैं पेपर ऊपर के अगर टुकड़े रहेंगे तो वो आप नीचे पूरा बिछा देंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छा कैल्शियम भी मिलेगा और साथ ही साथ पानी वगैरह वो जो है उससे नीचे रसेगा नहीं। तो आप एक कर सकते हैं, गत्ता बिछा दीजिए, पेपर बिछा दीजिए, कुछ भी बिछा सकते हैं। उसके बाद मैं एक बोरी जो है इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हूँ। किचन वेस्ट में जैसे आप लहसुन प्याज के छिलके जरूर डालिए, इसमें आलू के छिलके जरूर डालिए जो कि आपके घर में निकल रहा है, तरोई लौकी वगैरह के छिलके भी सब कुछ डाल दीजिए, हरा सूखा सब डालिए। अभी इसमें समय लगेगा कम इसको डिकम्पोस्ट होने में। उसके बाद आप एक मुट्ठी के करीब इसमें हल्दी इसी तरह से छींट दीजिए पूरा, और नीम खली हो तो 1-2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं, नीम के पत्ते हो तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं पत्ते, ये सूखे हुए पत्ते डाली हूँ, अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं, हरे पत्ते सब कुछ मैं डाली हूँ नहीं है, तो पत्तों की खाद मार्केट में आसानी से मिल जाती है, बीज वालों की दुकान पे या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, अमेजान में आसानी से मिल जाएगा, आप अमेजान से मंगा सकते हैं। एक बोरी मंगा करके डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं तो उसके एवज में आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। एक बोरी आप 20 kg वर्मी कंपोस्ट 150 से 200 रुपए में मिल जाएगा, वो आप डाल, बस जो भी खर्च होगा आपका एक बार होगा, बार बार आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और 2-4 दिन की सब्जियों का बजट आपका इतने में ही हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ऊपर से एक बोरी मिट्टी का लेयर लगा दीजिए उससे बस, और थोड़ा 2-4 दिन आप इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, जैसे जैसे पानी से भीगता जाएगा सूखता जाएगा, भीगता जाएगा सूखता जाएगा, यह डिकम्पोस्ट होता जाएगा, धीरे धीरे यह जो है तैयार होता जाएगा, और फिर मिट्टी डाल देंगे तो आप सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से इसमें कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। जैसे गोभी लगा सकते हैं तो 10-5 पेड़ गोभी लगा दीजिए, कहीं को एक तरफ थोड़ा पालक लगा दीजिए, धनिया लगा दीजिए, सोया लगा, इसमें कई सारी सब्जियां आप पत्ते वाली लगा सकते हैं, जो कि पत्ते वाली सब्जियां बहुत केमिकल वाली मार्केट में मिलती हैं, आपको अपने घर में साफ़ सुथरी अच्छी खासी मिल जाएंगी। तो कई प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं आप इसमें, और पूरा ठंडी लगाइए, फिर गर्मी वाली लगाइए, बरसात वाली लगाइए, और जब जब आपको ज़रूरत हो आप हर सीजन की सब्जी लगाइए। इसमें बार बार आपको कोई खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ये जो मिट्टी बाहर से नहीं, जो इसका मटेरियल वो बहेगा नहीं, इसके लिए आपको किनारे पे थोड़ी सी मिट्टी शुरुआत में ही डाल देनी है, और बोरी वगैरह लगा देना है, जो भी मटेरियल रहेगा सब इसी में रहेगा, फिर धीरे 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 आपका सारा सब कुछ जैसे जैसे डिकम्पोस्ट होता जाएगा आपका एक अच्छा खासा खेत तैयार होता जाएगा। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको आज का ये वीडियो, पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा,
चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।